दोस्तों यशराज बैनर की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हो रखा है। फिल्म रिलीज के तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर गई है, ऐसे में इसकी कमाई में और भी गिरावट होने का अनुमान है। बीते दो हफ्तों के कलेक्शन पर नजर डाले तो मैच कुछ ही लाख कमाने में कामयाब रही। अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसे बड़े स्टार से सजी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए एक और राहत की बात यह है कि इस शुक्रवार कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। हालांकि फिल्म को नेगेटिव माउथ और पब्लिसिटी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की राह इतनी भी आसान नहीं है। 240 करोड़ के बजट में बनी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए एक और बुरी खबर यह है कि फिल्म भले ही अपने डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स बेचकर कमाई निकाल ले, लेकिन सिनेमाघर मालिकों को नुकसान उठाना ही पड़ा है। खबर यह है कि सिनेमाघर मालिक अब यशराज बैनर से रिफंड की मांग कर रहे हैं। फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन यशराज बैनर ने ही किया है, ऐसे में उम्मीद है कि फिल्म से अच्छी कमाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विजय कृष्ण आचार्य के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अमिताभ, आमिर के अलावा कैटरीना और फातिमा सना शेख भी है। फिल्म करीब 5000 स्क्रीन पर रिलीज हुई। इतना ही नहीं, फिल्म को दुनिया भर में 7000 स्क्रीन भी मिले। फिल्म को कुल 3 भाषाओं हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।